फ्रेंड्स एक मैंने माइक बाई की थी, वो भी कंसीडर माइक BM-800 के, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसका एक बॉक्स मुझे मिला था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये फ्रेंड्स मैंने बाई किया था फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप भी एक ऐसी ही माइक बाई करना चाहते हो, कंसीडर माइक बाई करना चाहते हो, तो ये आपके लिए कैसी होने वाली है, इसका वॉइस का आउटपुट कैसा होगा। ओके, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो ये भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये आपको जो माइक देखने को मिल रही है, ओके, ये कंसीडर माइक है BM-800 की, जो मैंने ये बाई किया था इसको, ओके, को फ्लिपकार्ट से, तो ये इसी में मिली थी। ओके, और इसके साथ मुझे एक साउंड का कार्ड भी मिला था, जिसका मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ओके, ये देखो आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये देखो। ओके, तो ये मुझे मिला था। ओके, बात करें इसकी MRP की, कि ये मुझे कितनी MRP की मिली थी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसकी MRP कोई सेम नहीं रहती है, ये प्लस माइनस होती रहती है। ओके, कभी 200 रुपये ज़्यादा हो जाती है, तो कभी 200-300 रुपये कम हो जाती है। तो मैंने इसको बाई किया था 2417 रुपये की, मैंने इसको बाई कर लिया था फ्लिपकार्ट से। ओके, और हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में ये 2500-2600 हो, या 2000 के आसपास भी हो। ओके, तो ये मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इसकी MRP प्लस माइनस होती रहती है। तो अगर आप इसको सिंगिंग के लिए बाई करना चाहते हो, तो आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो को बनाने के लिए इसको बाई करना चाहते हो, तो ये कैसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ देखने को मिल जाती है, ओके, ये इसमें आपको साउंड कार्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें अपना ट्रिबल भी कर सकते हो, अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग बैस भी कर सकते हो, म्यूजिक भी कर सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो, ईचो भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो अब आपको कुछ और सुनने को मिल रहा होगा, ये देखो फ्रेंड्स। ओके, ये देखो आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक स्टार मेकर पे आप सिंगिंग करते हो, तो उसके लिए इसको बाई कर सकते हो। MC का बटन देखने को मिल जाता है, तो अब मेरी वॉइस कुछ हल्की सी चेंज हो गई है, जो आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने MC को ओके ऑन कर दिया, तो अब मेरी वॉइस हल्की सी चेंज हो गई है। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो। ओके, आपको बहुत सी चीजें इसमें देखने को मिल रही है। अगर आप सिंगिंग के लिए बाई करना चाहते हो, तो भाई डेफिनेटली बाई कर सकते हो, काफी बेस्ट होने वाली है सिंगिंग के लिए। अगर आप इसको पहली बार बाई करते हो, तो आपको इसका सेटअप कैसे करना है, और ये साउंड कार्ड की सेटिंग कैसे करनी है, इसकी जो बटन आपको देखने को मिल जाती है, इसको कैसे सेटअप करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। ओके, उसमें आपको बताऊंगा कि इसका आपको सेटअप कैसे करना है, कितना इचो रखना है, कितना बेस रखना है। ओके, और इसका सेटअप कैसे करना है, इस माइक का सेटअप कैसे करना है। ओके, तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ओके, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, काफ़ी इफेक्टिव होगा वो वीडियो आपके लिए। ओके, और मैं आपका ये डाउट ख़त्म कर दूं कि आपको सुनने को मिला है कि मेरी वॉइस कैसी है। ओके, तो आप भी अगर इसको बाई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट होने वाली है। कि और भी अगर मैं इसका सेट ऑफ करूँ, तो और भी मेरी वॉइस बेस्ट हो सकती है, जितना मैं लाइक अपनी वॉइस में बेस्ट देना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ अभी। ओके, तो वो भी सब कुछ मैं कर सकता हूँ, यहाँ से ये आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो अब मैं चलो इसका बेस हल्का सा कम कर देता हूँ, तो आपको देखने को मिल रहा है कि मेरी वॉइस का बेस काफ़ी कम हो गया है। ओके, तो ये आप ऐसे सेटअप कर सकते हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये सारे डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर भी इसमें साइड में बहुत सारे जैक देखने को मिल जाते हैं। ओके, इसमें आप डायनेमिक माइक भी लगा सकते हो, ओके, हेडसेट लगा के आप अपने ईयर में भी लगा सकते हो, कि आप जो बोल रहे हो वो आप अपने ईयर में भी सुन सकते हो वही चीज़। ओके, और आपकी रिकॉर्ड भी होगी, तो ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है आपके लिए।